जमशेद साहब, देखी फिर आपने निम्मी, इतनी औलाद की हरकतें हैं? खुदा ना खास्ता कोई नया पंखा तो नहीं ले लिया ना उसने? ये जिया बेचारी को हमेशा आगे लगा लेता है हर काम के लिए, हैं? खुद तो बाप से बात करते हुए मौतें पड़ती हैं उसको। नहीं, मैं बात कर रही हूँ ना। माँ सदके जाए, जिया तेरी वजह से, हमेशा तेरी वजह से मैं सल्लू को माफ कर देती हूँ, वरना मैं बड़ी सख्त औरत हूँ औलाद की तरबियत के मामले में। बाप के हुकूक भी सिखा देने देना अपनी औलाद को। मसरूफ बाहर जा रहे हैं और मुझे इल्म ही नहीं है। ताए जी, वो आपसे डर रहे थे ना बात करने में, इसलिए बाहर हैं, अंदर नहीं आए। लेकिन मैं कर रही हूँ ना उसके बदले में बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उसे जाने दें। अरे चला जाए बेटा, वैसे भी उसने यहाँ रह के मेरे फोन के और इंटरनेट के बिल ही बढ़ाने, और क्या करना। तो ठीक है जमशेद साहब, गल मुकदी मुकाओ, जेडी भी शह मांग रहे हैं ना वो दे दो। ओनू की मांग रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट। आहो आहो, बैंक स्टेटमेंट। मैं जाके ना जमशेद साहब पीनू को देख लूं, है दूध में हल्दी मिला के देती हूँ। मुझे लगता है उस बेचारी को ना कोई गहरी अंदरूनी चोट लग गई है। हाँ, दिमाग भी लगी होगी चोट बचपन में, तो जलाल के साथ निकल पड़ी शॉपिंग करने के लिए। नहीं, नहीं। ना। नहीं खोल सकती। बहुत अच्छे सलू पुत्र है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जमशेद साहब आ गया, ये क्या आ गया आपका शहजादा है? पकड़े अपना शिकार, पूछे से किधर जाने की तैयारियां हैं? हाँ ठीक है, सुबह एम्बेसी जाते हुए ले जाना मुझसे बैंक स्टेटमेंट। शुक्रिया भाई। खुश रहो। ये होगा बात, इधर ही आएगी।